जहाँ इलेक्शन कमीशन फ्रेश सिंबल एप्लीकेशन मांगता है हर चुनाव के बाद रजिस्टर्ड पार्टी से, जो कि अपना 8% का रिकॉग्नाइज पार्टी का स्टेटस नहीं अचीव किया। हमने भी तमाम साथियों से सलाह मशवरा कर और इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन दी थी। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने चाबी का की का जो चुनाव चिन्ह है वो हमें अलॉट किया है। 90 विधानसभा हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली 2019 के, और हम उसको लेकर अब आगामी तैयारियों में आगे बढ़ेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि चाहे महिला की सुरक्षा की चाबी हो, युवा के रोजगार की चाबी हो, व्यापारी की समृद्धि की चाबी हो, किसान की खुशहाली की चाबी हो, आज वो चाबी जननायक जनता पार्टी के हाथ में आई है, जो चंडीगढ़ के ताले को खोलकर उस खजाने से प्रदेश के लोगों को समृद्ध बनाने का। और बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आखिरकार हमने 5 सिंबल अप्लाई किए थे, उसमें से 1 अलॉट किया। सर ये प्रायोरिटी कोई हमारी नहीं है, ये तो एप्लीकेशन हम दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन। लेकिन एक टाइम तो कहा जाता था खड़ा हुई है चौधरी देवीलाल की, लेकिन तो चप्पल भी अप्लाई की, कंप्यूटर भी अप्लाई किया, सैटेलाइट भी अप्लाई की। अब उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने हमें चाबी अलॉट किया है, उसके भी मीटिंग में और कौन कौन से एजेंडे रखे गए? हमारे 7 एजेंडे इस मीटिंग में रखे गए, जिसके अंदर प्राथमिक तौर पर जो जो इलेक्शन कमीशन के रूल रेगुलेशन के हिसाब से प्रदेश की, जिले की और राष्ट्र की कार्यकारिणियाँ बनी हैं, उसको पार्टी संगठन के तौर पर हम अडॉप्ट करें। दूसरा विषय जो रखा गया वो इनसो को ऑफिशियली पार्टी संगठन का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम अडॉप्ट करें। जननायक सेवा दल को हमारी वॉलंटियर फोर्स के तौर पर हम अडॉप्ट करने का काम करें। और उसके बाद महिला सुरक्षा हो, आज किसान की बदहाली हो, ये और इसके साथ अनेकों विषय जो आगे पार्टी की मुहिम लेकर हम चलेंगे, चाहे वो रोजगार मेरा अधिकार की हो, चाहे वो किसान के कर्जे माफ़ी की हो, इन सब के ऊपर सभी साथियों ने अपने विचार विमर्श भी किए। और अब 100 दिन का टारगेट लेकर अगले 30 दिन में हम प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास। बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो आने वाला समय बताए। बीजेपी की दिल्ली में मीटिंग हुई है जिसमें